संतोष राय, आपका अपना, आपके जैसा सोचने वाला, आपके बीच का। आज मैं आपको कहानी के अंत में कोई टिप्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये कहानी सच्ची कहानी है और सच्ची चीजें तो अपने आप में एक टिप्स होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक अपने छात्र की संघर्ष की कहानी सुनाता हूँ। 2001 क्लासरूम में 11वीं में एक छात्र चुपचाप पीछे बैठा करता था। बाद में मालूम चला कि वह छात्र एसटीडी पीसीओ में 300 रुपए प्रति माह में कार्य करता है और ठंडी के समय जब सर्द ऋतु होती है उस समय सवेरे चाय की दुकान इंडियन टी स्टॉल लगाता है। उससे कुछ रकम एकत्रित कर स्कूल और ट्यूशन फीस दिया करता था। 2003 में बीकॉम में प्रवेश के दौरान आईसीआईसीआई बैंक में पीयूम के रूप में एक वर्ष तक 700 रुपए प्रति माह में कार्य करना प्रारंभ किया। पानी पिलाना, चाय पिलाना, साफ सफाई करना, सामान्य शब्दों में कहूं तो बैंक में झाड़ू पोछा का काम किया करता था और उससे मिलने वाली रकम को कॉलेज की फीस में दिया करता था। 2004-2005 इन दो वर्षों में पिता की साइकिल दुकान में पंचर बनाने एवं भूसा बेचने का काम करता था। सोचो, उस छात्र के 2001 से 2005 की कहानी। यह बात आप जान सकते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। आज वह एक प्रोफेशनल शिक्षक है और जिस बैंक में प्यून के रूप में कार्य करता था उस बैंक के मैनेजर अपनी बेटी के प्रवेश के लिए उसकी संस्था जब पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज उसके पास सब कुछ है, अब उसके हाथ मदद के लिए उठते हैं। आज उसके दोस्त उसकी कहानी सुनाते हैं और मैं डॉक्टर संतोष राय वो भाग्यशाली शिक्षक हूँ, मेरा चित्र आज उस छात्र के कार्यालय में लगा हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, परफ्यूम कहीं भी छुपा दो, किसी भी कोने में रख दो, किसी भी जगह फेंक दो, वो अपनी खुशबू बिखेरता ही है। अगर आप में कुछ बेहतर करने की चाहत है, आपके अंदर खूबसूरत परफ्यूम है, तो निश्चित तौर से आप अपनी खुशबू को बिखेरेंगे। अगर ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो आज मैं पहली बार कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आगे और सच्ची कहानियां मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन आज मैं एक बात और कहूंगा कि अगर ये कहानी, उस बच्चे के संघर्ष की कहानी अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब न करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।